Yesterday at night, a fire broke out at a private baby care center in Delhi's Vivek Vihar. Locals stepped in to aid the rescue operations. 12 newborns were rescued, but 7 of those rescued newborns have passed away during treatment. 5 of the newborns now remain critical. Visuals of the aftermath showed that the ambulance that was at the center was also destroyed. The Delhi minister, Saurabh Bharadwaj, has said that the culprits of this incident would not be spared and that the strictest action would be taken against those found negligent or involved in any wrongdoing. In fact, the Delhi minister has also ordered that the arrests of those running the center be expedited. The prime minister has called the tragedy heartrending. ये कल रात की बात है, 11:32 पे हमें ये करीब कॉल मिली थी कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे क्योंकि ये जो क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 12 बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के, आपने फोटो में देखा होगा, और बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे ये, और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायक घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी। ब्लास्ट की वजह से एक तो हमारे फायर फाइटरों को भी खतरा था, करीब 6 ब्लास्ट हुए वहाँ, ऐसा बताया गया। मतलब इसमें आप देखिए 2 टीमें बनाई गई, क्योंकि ब्लास्ट हो रहे थे तो हमें आग को भी कंटेन करना था और बच्चों को भी बचाना था। तो एक टीम ने, आपने देखा होगा वीडियो में, कि 2 टीम साइड से बिल्डिंग से गई, उन्होंने खिड़की से लोगों को पकड़ पकड़ के बच्चों को निकाला, और एक दूसरी टीम ने फायर फाइट किया। घटना कल रात की 11:30 की, आपको अभी तक मतलब अभी जस्ट पता लगा? अभी पता लगा। मैं तुरंत भागते हुए आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे थे, मैंने कल गई थी वहाँ, ऊपर पे रखे थे बहुत सारे बेबी, छोटे छोटे थे, बहुत सारे बेबी थे। आज भी क्या हॉस्पिटल जो केयर सेंटर प्रशासन से कुछ बातचीत हुई आपके पास? सर मेरे आप जो बात हुई आपसे बात हुई है, मेरे अभी किसी से नहीं बात हुई है सर। मैं अभी यहीं पे आई हूँ बिल्कुल, मैंने अपने बेबी को भी नहीं देखा, मेरा बेबी है कहाँ, मैंने नहीं देखा। बस मेरे को आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा बेबी मेरे को दिलवा दो बस। Now the local people out here have helped in the rescue operation. They have rescued all the 12 children from the baby care center. We have one with them who have helped in the rescue operation. भैया आपसे पूछूंगा कि कैसी घटी ये घटना, किस तरीके से आपने बच्चों को वहाँ से निकाला बिल्डिंग से? भैया घटना का तो जैसे हम अपने घर में सो रहे थे, बैक साइड में हम रहते हैं, तो घटना तो एकदम से धमाका हुआ, पहले कोई ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा, तो हम लोग वही देख के एकदम घरों से बाहर निकले कि भाई एकदम क्या हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ। जैसे ही जाने के बाद उन्होंने बच्चे पकड़ाना चालू करे, फिर आदमी की हिम्मत हो जाती है कि एक दो बच्चे बचे हैं, पर वो भाई साहब हमने 3-4 बच्चे पकड़े थे, वो हमें बिल्कुल सेफ लगे, सही था। हमने 3-4 बच्चे जैसे एक एक करके बच्चा पकड़ाते गए, चादर में लपेटते गए, तौलिए में, हम आगे बच्चा ट्रांसफर करते गए, ऊपर सारा सर्च कर लिया, नीचे वाले फ्लोर का गेट खोल के सारा देख लिया था हमने कि यहाँ पे कोई हवा है नहीं। जब सिस्टर ने कह दिया अब कोई नहीं है, तब हम फिर आ गए थे और हम सारा देख के आ गए थे, कोई हमें मिला नहीं उसके बाद। और भाई कितने लोग थे जो रेस्क्यू में हेल्प कर रहे हैं? रेस्क्यू में तो भाई साहब यहाँ पे कम से कम 100-200 लोग थे, जब बैक साइड में बिल्डिंग में सब रहते हैं वो सभी आ गए थे। कोई अपने घर से चादर दे रहा, कोई पानी दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई सब हेल्प करने को तैयार थे। बच्चे पकड़ाते गए, वो आगे लेते गए। और फायर ब्रिगेड की टीम कब तक पहुंची यहाँ पे? फायर ब्रिगेड की टीम मेरे कल 12:15-12:30 तक पहुंची थी। हाँ लेट आई है थोड़ा सा, एम्बुलेंस भी थोड़ा लेट आई है, जब तक हम 3-4 बच्चे निकाल चुके थे उसके बाद एम्बुलेंस आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई, और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।